दोस्तों आज LG 22 इंच ये LED टीवी का प्रॉब्लम देखेंगे। जो प्रॉब्लम इसमें हाफ पिक्सल आ रहा है, हाफ स्क्रीन आ रहा है। इसमें ऊपर का हिस्सा जो है वो पिक्सल आ रहा है और नीचे का हिस्सा जो है वो ब्लैंक है। कुछ देर ऑन करके रखने से नीचे का जो हिस्सा है वो भी थोड़ा व्हाइट जैसा हो जाता है। पिक्सल तो नहीं आता इसमें, नीचे का हिस्सा में थोड़ा व्हाइट बार जैसा आ जाता है। ऊपर का पार्ट कभी कभी लो कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, लेकिन पिक्सल चलते रहते हैं उसमें। पिक्सल में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट जो है वो थोड़ा लो हो जाता है। अभी कुछ देर लगाने के बाद, अभी काफ़ी टाइम तो हो गया लगा के रखा है, अभी थोड़ा देखिए इसमें जो व्हाइट जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और कॉन्ट्रास्ट जो है थोड़ा लो जैसा हो गया। इसे चेंज हो जाता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादा टाइम ये बिल्कुल सही चलता है और नीचे का हिस्सा तो बिल्कुल ख़राब है। आइए एक बार देख लेते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है, वो ट्राई करते हैं रिपेयर करने के लिए। हो जाएगा कि नहीं होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। अभी देखिए ऊपर का जो एक पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा व्हाइट जैसा लग रहा है। अभी इसमें जो मॉडल नंबर है ये LG ब्रांड का है, देख लीजिए 22LS3300। इस मॉडल का टीवी पहले भी मेरे पास काफी सारे आया था, लेकिन उसमें से शायद दो एक तो रिपेयर नहीं हो पाया। बाकी जो रिपेयर सेट रिपेयर करके दिया था वो सभी सेट अभी तक चल रहा है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होने से कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्म मिलने वाला था। कुछ अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है कोई कस्टमर। जो भी हो, अभी इसमें इसमें जो पैनल सोर्स पीसी भी लगा हुआ है, इसका मॉडल नंबर लिख लीजिए V216BZ1-LE1-XC। जो पैनल मॉडल नंबर है वही इसमें नंबर है, सोर्स पीसी का नंबर। ये जो सोर्स पीसीबी वो थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख लेंगे तो बाद में आपको कभी मिल जाने से आपको याद आ जाएगा, मतलब कहाँ पे मिला था आपको ये पीसीबी का फोटो। ये 1366x768 HD पैनल है ना, बड़ा नहीं छोटा है जो सोर्स पीसीबी है। इसमें 5 वोल्ट का पैनल यूज किया गया है। ऐसे भी यहाँ पे 5 वोल्ट जो है वो भी ओके है। यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट दिया गया है, इसमें कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। और ये 3.3 जो VDD ये भी स्टेबल भी है और प्रॉपर आ रहा है। बाकी ये राइट साइड का जो कॉप है इसमें देखते हैं VGHP 27.1, ये सही है। इवन यहाँ पे कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे VA जो एवरीडे वोल्टेज ये 12.2 वोल्टेज बता रहा है। ये 5 वोल्ट का पैनल है इसीलिए कम बता रहा है। यहाँ पे VGH देखिए 21.8 और VGL देख लेते हैं VGL 6.8। बाकी ये OE सिग्नल है, OE XAO देखिए इसमें यहाँ पे 0.89 इतना ही आता है, मैक्सिमम 1 वोल्ट आता है उसमें, उससे ज़्यादा आता नहीं। ये जो XAO वोल्टेज है ये 3.3 आ रहा है प्रॉपर, और CKV 1.58 बता रहा है अभी CKV 1। बाकी जो बेसिक वोल्टेज है वो तो सही है इस साइड में। LBDS सिग्नल को एक बार चेक कर लेते हैं। RX 0- देखिए 1.31, RX 0+ 1.05, नेक्स्ट RX 1- 1.31, RX 1+ 1.05 और RX 2- 1.28 और RX 2+ 1.08 और जो ये क्लॉक सिग्नल है इसमें देखिए क्लॉक माइनस 1.17 और क्लॉक प्लस पे आ गया है 1.20 और RX 3 पे
एक बार देख लेते इसमें 1.31 माइनस पे और प्लस पे देख लेते हैं, एक्स थ्री प्लस पे 1.05। ये जो डाटा सिग्नल्स वोल्टेज है मतलब ये सही है वोल्टेज। और यहाँ पे एस डी एल एस सी ए यहाँ पे 3.3 वोल्टेज आना चाहिए, देख लेते हैं कितना कितना आ रहा है। यहाँ पे 3.3 आ रहा है प्रॉपर, इसमें भी आ रहा है। सभी वोल्टेज ठीक ही आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे वीकॉम वोल्टेज है 5.58। बाकी जो बीकॉम का टच पॉइंट है सभी पे 5.57 5.58 ऐसा ही आ रहा है। यहाँ पे भी 5.58 आ रहा है। राइट साइड में जो अभी देखिए दो टेस्ट पॉइंट है, ये भी बीकॉम का ही टेस्ट पॉइंट है, इसमें भी 5.58 आ रहा है। ये एवीडीडी का टेस्ट पॉइंट है 11.70 और लेफ्ट साइड में 12 वोल्ट बताया था, थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। सो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, ये वोल्टेज थोड़ा देख लीजिए, एवीडीडी जो वोल्टेज है यही एवीडीडी वोल्टेज गामा वोल्टेज जनरेट करता है। इसमें मैक्सिमम 12.70 से स्टार्ट होकर अभी ये पॉइंट मतलब 1 वोल्ट से नीचे भी जाएगा, मतलब 1 से नीचे चला जाएगा और स्टेप बाय स्टेप डाउन होगा। ये कंटिन्यू देखते रहिए जो गामा वोल्टेज है। और एवीडीडी वोल्टेज से जनरली 3 वोल्टेज बन जाता है, ये जो वीकॉम वोल्टेज है एवीडीडी से ही बनता है एवीडीडी बनने के बाद। और जो गामा वोल्टेज है ये भी एवीडीडी से ही बनता है। और जो वीजीएच वोल्टेज है वो भी एवीडीडी बनने के बाद बूस्ट अप करके फिर सर्किट के डिजाइन के हिसाब से वीजीएच एफ आर इवन और जो भी है और हाई वोल्टेज जो होगा वो हाई वोल्टेज के लिए निकल जाता है वोल्टेज। यहाँ पे देखिए जो गामा वोल्टेज है मिनिमम कितना तक चला जाता है 0.66 और आगे जो लास्ट में पॉइंट है इसमें देख लीजिए 0.20 कितना लो हो जाता है। और सर्किट वाइज ये वोल्टेज थोड़ा अलग अलग होता है। बाकी ये जो ये सब देख रहा है ये जो आर एक्स सिग्नल है वही सिग्नल है, आर एक्स क्लॉक सिग्नल जो है ये सभी सिग्नल स्पिन से इन हो रहा है कॉफ में, सभी में 1.30 1.08 एसी वोल्टेज आ रहा है। दोस्तों सोर्स पीसीबी के ऊपर जो स्क्रू लगा हुआ है इसको निकल लेते हैं, एक बार सोर्स पीसीबी के अंदर की तरफ देख लेते हैं। ये देख लीजिए अंदर की तरफ जो पीसीबी का स्ट्रक्चर है देखिए कैसा है। लेफ्ट साइड में डीसी टू डीसी आईसी डाला हुआ है लेफ्ट साइड में, और ये जो 3 पिन का 1.8 वोल्ट रेगुलेटर आईसी है। और यहाँ पे देखिए जो बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये गामा वोल्टेज जनरेट करने के लिए बनाया गया है इसका जो सर्किट। यहाँ पे एक देखिए ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस एवीडीडी वोल्टेज से वीकॉम वोल्टेज जनरेट करने के लिए लगाया गया है। अभी जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम ये प्रीसेट की वजह से आ रहा है। ये प्रीसेट कभी कभी क्या होता है काफी पुराना होने से ये ओपन हो जाता है बीच बीच में, और मतलब कार्बन हो जाता है अंदर में। कार्बन होने से ये वोल्टेज थोड़ा मीटर से जब माप करेंगे हम लोग सही बताता है, लेकिन अंदर से वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है और प्रॉपर वोल्टेज मिलता नहीं। उस वजह से ये जो पैनल है ये इस टाइप का सोर्स पीसीबी में ये प्रॉब्लम आता है। पहले भी मुझे मिला है, आप लोगों को बुलाई हूँ स्टार्टिंग में, ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो गया है, लेकिन दो एक प्रॉब्लम सही नहीं हुआ। पहले जो सेट रेडी नहीं हो पाया वो सेट में मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा, कभी कारण दे के फिर सेट घुमाया होगा, ऐसा मिस्टेक कभी कर दिया होगा इसलिए शायद नहीं हो पाया। सेट को ऑन करके जब घुमाएंगे वो प्रीसेट जो रेजिस्टेंस है वो खराब होने से क्या होता है ओपन हो जाता है, और ओपन होकर जो एवीडीडी वोल्टेज है 12 वोल्ट हो मतलब 13 वोल्ट हो जो भी हो ये वोल्टेज वीकॉम के लिए चला जाता है, वीकॉम पे चला जाता है। उसी वक्त जो पैनल का अंदर का हिस्सा है अंदर का जो ट्रैक्स है वो शायद खराब हो जाता है, कुछ सर्किट खराब हो जाता है अंदर में टीएफटी में अंदर टीएफटी के अंदर, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम परमानेंटली हो जाता है और दोबारा ठीक करने का कोई चांस आपके पास नहीं रहता है। आप लोगों के पास भी ये प्रॉब्लम कभी आने से एक काम कीजिएगा, ये जो प्रीसेट है वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो प्रीसेट है ये प्रीसेट को सही स्क्रू ड्राइवर लेके सेट ऑफ कर लीजिए। ऑफ करके जो
जिस पोजीशन पे पहले प्रीसेट रहेगा उसी पोजीशन पे थोड़ा घुमा के एक या दो बार घुमा के फिर उसी पोजीशन पे आपको रख देना है, रख के सेट ऑन कीजिए, सेट सही हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा कार्बन की वजह से वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, सही वोल्टेज जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचता है, और ये प्रीसेट तो चेंज करने से और बेटर है। और प्रीसेट अभी मेरे पास है भी नहीं, और जो स्क्रू ड्राइवर मैं यूज़ किया इसमें वो स्क्रू ड्राइवर क्या बोलूँ मैं आपको, स्क्रू ड्राइवर के लायक ही नहीं है, फिर भी काम तो बन गया, इसलिए दोबारा मैं एडजस्ट करके आप लोगों को देखने के लिए कोशिश नहीं करूँगा। मतलब जिस पोजीशन पे पहले था उसी पोजीशन पे मैं लेके आया घुमा के, फिर जो अंदर का कार्बन था वो कार्बन हट गया और सेट सही हो गया। और मतलब ये आप करंट लेके घुमाएंगे उसी वक्त ये प्रीसेट अभी तो खराब ही है, ओपन हो जाएगा और जो एबीडीडी वोल्टेज है एबीडीडी वोल्टेज भी कम पे चला जाएगा, और उस वक्त आपका प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है पूरे स्क्रीन पे पिक्चर आ जाएगा लेकिन जो कंट्रास्ट है कंट्रास्ट शायद नहीं आएगा, और नहीं तो ऐसा भी प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी, ये जो पिक्चर का कलर है वो कलर नहीं आएगा। ये दो प्रॉब्लम के बीच में कोई एक प्रॉब्लम आपको मिलेगा, इसीलिए बेहतर है मैं आपको जिस तरीके से करने के लिए बोल रहा हूँ उसी तरीके से कर सकते हैं, और बाकी आप लोगों के ऊपर है। सोर्स पीसीबी को अभी दोबारा फिट कर लेते हैं, स्क्रू तीन स्क्रू यहाँ पे दिया गया है, तीनों स्क्रू लगा लेते हैं, लगा के उसे डन करके एक बार देख लेंगे। और दोस्तों कभी ये प्रॉब्लम मिल सकता है, मिलने से प्रीसेट चेंज करके रिपेयर करने के लिए ट्राई कीजिए, सेकंड टाइम प्रॉब्लम आने का चांसेस नहीं रहेगा। अभी ऑन करके देखते हैं टीवी को, ये पावर तो दे दिया अभी टीवी को। और आप लोगों के मन पे बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, ये वीकॉम वोल्टेज तो आ रहा है और मतलब नहीं आ रहा है तो जो ऊपर का हिस्सा है उसमें पिक्चर क्यों आ रहा है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। लेकिन मेरे पास ये जो टीवी अभी ये आया ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था, साथ ही साथ बना के देना पड़ा, इसलिए नेक्स्ट सेकंड टाइम कभी भी ये टीवी आएगा तो मैं पूरा डिटेल देख के आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। अभी इस टीवी में जो मेनू बार ये देखिए पूरा प्रॉपर आ गया है, पिक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टीवी में जो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया गया है, देखिए यहाँ पे एबीडीडी वोल्टेज को ग्राउंड और फिक्स रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू कम करके भी कम के लिए आउट कर दिया गया है। ये तीन ट्रैक यहाँ पे देख सकते हैं, और देखिए इसमें जो पिक्चर है अभी पिक्चर पूरा प्रॉपर है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन कुछ भी नहीं है। ओके दोस्तों बस इतना ही था, आप लोग वीडियो देखते रहिए।